फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैस्कल किचन। तो चलिए आज हम आपको एक नया डिश से स्वागत करते हैं जिसका नाम है लिनसिड्स लड्डू। ये बहुत ही फायदेमंद लड्डू हैं, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस इन रेसिपीज को बनाने के लिए हमने 1 बॉल आटे लिए हैं। गेहूं का आटा है, 1 पाउंड पीसी हुई शुगर है, और 1/2 बॉल काजू, एंड हमने हाफ वन से थोड़े से कम अलसी लिए हुए हैं। अलसी के बीज हैं बिल्कुल फ्रेश, एंड 1 बॉल खोआ लिया हुआ है हमने, एंड 1 बॉल तिल, सफेद तिल है, और 1/2 बॉल किशमिश, एंड ये खरबूजे के बीज हैं जो कि 1/2 बॉल है जो भी, और ये आलमंड्स हैं, इसे भी हमने 1/2 बॉल रखा है। तो चलिए हम बनाते हैं इस इंग्रेडिएंट्स को। तो चलिए हम इस इंग्रेडिएंट्स से न्यू रेसिपीज को बनाते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई को लेते हैं और उसे गैस पे हीट करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस कढ़ाई को पहले ही हीट कर लिया। तो चलिए अब इसमें हम ये खरबूजे के जो बीज हैं, एंड ये व्हाइट तिल, ये अलसी, इसे हम सूखा रोस्ट कर लेते हैं, बस जस्ट एट 2 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है, हमने इसे लो हीट पे ही फ्राई किया, बस जस्ट 2 मिनट्स, और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँ। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालते हैं। घी का यूज़ मैं कम ही करूँगी बिकॉज ज्यादातर लोगों को घी तेल से अवॉइड होता है, आजकल करते हैं। तो दोस्त, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़े से गजरे पीस लिए हैं, तो अब इसे मैं थोड़ा भून लेती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है क्योंकि हमें इसे बहुत फ्राई करना नहीं है, जस्ट फ्रेश जस्ट एज ए रोस्ट, बस 2 मिनट्स के लिए। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी और डालते हैं, और जब ये घी मेल्ट हो जाता है फिर हम इसमें आटे को फ्राई करते हैं। हाँ, देखिए घी मेल्ट हो गया है, गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें आटे को डालते हैं क्योंकि हमने 1 कप आटा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, आटा को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई हो चुका है जो जो कि ये गेहूं का आटा लिया था हमने। अब इसमें हमें खोआ को मिक्स कर देना है। तो इसे हम धीरे धीरे मिक्स कर देते हैं आटे के साथ, क्योंकि ये ठंडा है, ये गर्म होने पे मेल्ट हो जाएगी खुद ही, और ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, खोए के खोया और आटे दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम 2 मिनट में मिक्स कर लेते हैं। पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं जो कि हमने सारे रोस्ट करके रखे हुए थे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें हम पिसी हुई चीनी को मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसे गर्म में मैं इसमें चीनी मिक्स की थी, तो अब इसे थोड़ा मसल मसल के मैं इस तरह कर ली हूँ। और अगर लड्डू नहीं बनते हैं तो आप इसमें 5 चम्मच घी मिला सकते हैं, 1 टेबल स्पून, बट घी ना मिलाएं तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि फिर अलसी के सारे फायदे चले जाएंगे। तो इस तरह करके हम इसे आप दोनों हाथ लगा के बाइंड कर सकती हैं और एक हाथ से भी बाइंड कर सकती हैं। तो चलिए हम लड्डू को बाइंड कर लेते हैं इस तरह। देखिए इस तरह आप इसे, मेरे लड्डू के साइज थोड़े छोटे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग साइज रख सकती हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अलसी के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इसे हम इस तरह करके बाइंड कर लेते हैं, आपके हेल्प से बाइंड कर सकती हैं। इस तरह करके सारे लड्डू को हम बाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपीज बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये विंटर सीज़न के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विंटर सीज़न, और ऐसे भी जिनकी जिनको की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हैं, या डायबिटीज़ है, या फिर शुगर की, सॉरी डायबिटीज़ है एंड बीपी की प्रॉब्लम है, तो अलसी, इसमें अलसी है तो अलसी के कई फ़ायदे हैं। तो इस कारण ये इन पेशेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि अलसी में हमारे लीन सीड्स में ओमेगा 5 फैटी 3 एसिड पाया जाता है। तो इसलिए इसे हम इन सारी बीमारियों में भी यूज करते हैं। तो इसलिए हम मैं सोची चलो आज मैं अलसी के साथ, लीन सीड के साथ लड्डू ट्राई करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस
जैसे तो इतने हमारे जो मिक्सचर्स थे उससे हमने लगभग 25-23 लड्डू बनाए हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स भी दें आपको पसंद आई या नहीं आई। लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।